अभी सरकारी अस्पताल में आ चुके हैं, अभी कंफर्म करके आए हैं, कल शाम तक रिपोर्ट मिल जाएगी। मतलब ये टेस्ट हो गया इसके, वो अभी तो इस पे साइन करवा। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। और आप लोग कैसे हो कमेंट करके बताना, मैं बिल्कुल सही हूँ। और गाइज, ये आज का दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अभी तो ये एक व्लॉग की तो एडिटिंग चल रही है जो कि आप शाम को 6 बजे देख लोगे। तो अभी इसकी एडिटिंग खत्म करके, और ये देखो कौन आ रखी है हमारे पास, इसने गाना सेलेक्ट करने में हमारी हेल्प की है। और अभी ये अपलोड करके इसको फिर जाएंगे दादरी। दादरी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और भैया आपको दिखाते हैं क्या इंपॉर्टेंट काम है। और एक पर्सन आ रहा है, मतलब एक दोस्त ही आ रहा है, उससे मिलवाते हैं आपको, जो कि मेन तो उसी के लिए जा रहे हैं हम। तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक लिए बाय गाइस। गाइस, मेन कारण तो दादरी जाने का ये भी है कि ये मेरा फोन है जो ओनर पहले मैं पहले यूज करता था, ये टूटा हुआ, तो इसको ठीक करवा के आना है। तो भाई पता किसने तोड़ा था, ये इसने तोड़ा था मेरा फोन, इसने फेंक दिया था। ये देखो इसका क्या हाल कर दिया था, ये देखो इसी ने तोड़ा था, झूठ बोल रही है ये। नहीं, अब ठीक भी नहीं करवा रही मेरा फोन, देख लो कैसी लड़की है ये, शैतान का साला, बला बला। तो अभी मैं तैयार हो लेता हूँ जल्दी से दादरी के लिए। अभी सरकारी अस्पताल में आ चुके हैं, और मेन कारण ये था इससे मिलना है भाई को। कॉन्ग्रेचुलेशन पहले तो, इसका भाई दो पेपर क्लियर हो चुके हैं भाई। एक तो आर्मी किसका है, एक तो कमांडो का और दूसरा हरियाणा पुलिस का, और सीजीएल का प्री क्लियर हो चुका है। अभी इसका कोरोना टेस्ट करवाते हैं इसमें ना, तो अब अंदर चलते हैं, फिर वहाँ मिलते हैं डायरेक्ट आपसे। अभी कंफर्म करके आए हैं, कल शाम तक रिपोर्ट मिल जाएगी, और अभी टेस्ट करवा लेते हैं हमारा दोस्त का, तो वहाँ मिलते हैं आपसे डायरेक्ट। तो भाई ये हो चुका है इसकी रिपोर्ट, रिपोर्ट तो आई नहीं है, मतलब ये टेस्ट हो गया है इसकी, वहाँ भी तो इस पर साइन करवा। अमित तो कैसा लग रहा, अमित फिर दिक्कत हुई कुछ अंदर है? तो अंदर का तो कुछ ऐसा इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अलाउड नहीं था, यहाँ पे सरकारी अस्पताल है, तो इसके चक्कर में हमने कुछ नहीं दिखाया आपको। तो अमित भाई फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर भाई मेडिकल, एंड फिर मिलते 31 के बाद पार्टी अपनी है, ठीक है। सो गाइज, अभी अस्पताल का काम हो चुका है। ये देखो पीछे भाग रहा है, देखो क्या क्या कर रखे भाई, क्यों भाग रहा है पीछे से, ये भाग रहा है पीछे से। और भाई देखो बाढ़ बोल, तो हेलमेट के कान बिगड़ गए सारे। और भाई अब जाते हैं मोबाइल ठीक करवाने, जो कि कुसुम ने तोड़ा था, और इसको एक नया कवर दिलाते हैं, फिर डायरेक्ट जाएंगे घर। बहुत भाग दौड़ का काम है भाई आजकल तो। गाइज अभी घर आ चुके हैं, अभी देखो अंधेरा हो चुका पूरा, और अभी के टाइम हो गए 7 बज चुके हैं। और भाई देर इसलिए होगी क्योंकि वहाँ पे फोन ठीक करवाने में टाइम लग गया, और भाई फोन के बहुत बड़ा खर्चा लग गया, इतना ज्यादा फोन था भी नहीं, लेकिन फोन के लगे 2200 रुपए। फोन की कंडीशन अच्छी थी वैसे, तो वो फूट गया था, कुसुम के हाथ से छूट गया था भाई वो। तो अभी पापा ने दे दिए थे भाई, पापा से पास ले गए थे कुछ पैसे, और कुछ भाई कुसुम ने दे दिए थे। और भाई वहाँ RT-PCR का टेस्ट करवाया, वहाँ थोड़ा हसीन सा हो गया था, फिर वो दिमाग थोड़ा मन सा खराब हो गया था, तो इसके कारण आगे शूट नहीं कर पाया मैं। तो अभी चलते हैं धीरज के पास, धीरज के पास से केबल लेके आता हूँ मैं ओनर प्ले की, तो वहाँ मिलते हैं आपसे डायरेक्ट। सो गाइज, ये धीरज आ गया, ओके गुंडा लुक कर रहा तू, रिचार्ज कितना का होगा देख लिए, प्लान का कर लिया, ठीक है। तो भाई ये ले लिए हैं, अब तो फोन में डालेंगे और मिलेंगे थोड़ी देर में। ये देखो गुंडा बन रहा पूरा है। सो भाई मम्मी अभी क्या कर रहे हो? मम्मी बना, देखो बाजरे की रोटी खाऊंगी, मम्मी बाजरे की रोटी बना रही है और साथ साथ जलेबी को लपेट रही है भाई। हाँ देखो मम्मी का रिएक्शन, हाँ बताओ क्या बताओ, तो कौन क्यों मारो थी मम्मा ना खाई जरे, अच्छा हमको सिखा रिया है देख ले गाइस मुझे लगी हुई यार, ये सामने रखी मम्मी झूठ बोल दिया है, कुसुम डर के गई है कुछ भी, अभी कुसुम से क्लियर करवा देता हूँ मेरे को। क्या बोला तूने? कुसुम है वो जलेबी चूल्हे के पास तूने रखी है? मम्मी ने। किसने रखी है? मेरे को नहीं पता, मैंने नहीं रखी, बस मम्मी बोले तूने रखी है। क्यों चूल्हे के पास हो गया तो क्या हो गया? मम्मी खा रही थी, मैंने पूछा मम्मी आपने खाई है, तो मम्मी बोली नहीं मैंने तो नहीं खाई, कुसुम ने खाई है। मैंने खाई है जलेबी, पर चूल्हे के पास रख के नहीं खाई। सो गाइस आपको पता लग गया अब जलेबी किसने खाई है, तो मम्मी को एक तो पॉइंट आउट हो गया, झूठ पकड़ के मिल गई मम्मी की।
खाने के लिए तो मंगाई है। तो मंगाई तो मम्मी मना कर रही है, मैंने नहीं ली। अरे मम्मी वैसे कम खाती है ना। अच्छा अच्छा, डाइटिंग के चक्कर में। डाइटिंग मम्मी पूरी जलेबी न पेटा है। वो ये फोन है जो अभी मैं ठीक करवा के लाया रिसेंटली, देखो कितने परसेंट चार्ज हो गया, 6% चार्ज हो गया है। अभी अभी चार्जिंग में लगाया मैंने, इसकी बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो भाई इसके आज मैं 2200 रुपये लगाया है और अभी व्लॉग एडिट करूँगा थोड़ी देर में। तो भाई अपनी डाइट चेक देते हैं। ये मैं भी लिया थोड़ी जलेबी और दूध, आज रोटी खाना नहीं खाया तो आज ये खा लेंगे थोड़ी ही, तो इससे ठीक हो जाएगा। एक नंबर की डाइट है, एक दो दिन तो चीट मिल चलता थोड़ा थोड़ा, वैसे भी आज मन नहीं करा था, थोड़ा सा बार जूस पिया था। चल झूठा, उसी कारण जी सा खराब हो गया था इसके कारण, तो अभी ये जलेबी खा लेते थोड़ी और सुबह मिलते हैं। गुड नाइट गाइज, गुड मॉर्निंग गाइज, और आप लोग कैसे हो कमेंट करके बताना। और भाई अभी के टाइम हो गए 7, तो अभी पानी गर्म करके पी लेते थोड़ा सा, जो कि मम्मी ने शायद गर्म कर रखा होगा, तो पीना पीना बाकी है। उठा लेते इसको और भाई स्कूल में जाओगा? हाँ जाएंगे। छुट्टी पर क्या जी? ये पानी डालने नहीं इसने डाली मैं ये सुन। हाँ रोस्टर में जाओ। हाँ? रोस्टर में जाओ। 50 है। 50। तो कल जाए थे रात में? आज भी नंबर है। और ये एप्पल भी नहीं करो डाल दे इसमें। बनाऊंगी रोटी। तो मम्मी अभी रोटी बनाएंगे, तो गाजर का रायता हमारा रखा है। अरे देखो मेरे को सबसे अच्छा रायता यही लगता है, गाजर का। अरे मम्मी तो भाई बहुत अच्छा बनाती है, फिर तोड़ी नहीं है। बाजरे की बनाओ रोटी? बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी बनाई गई मम्मी अभी बाहर चूल्हे पे, जो कि बहुत अच्छी बनती है चूल्हे पे, तो अंदर तो नहीं बन पाती इतनी अच्छी। तो अब चलते कुसुम वाले रूम में, वहाँ पे बकवास करते थोड़ी देर। ये देखो सुबह सुबह पढ़ रही है, कै बजे उठी थी? 5 मिनट पहले। तो बोली थी मैं 4 बजे उठती हूँ। 4 बजे उठ के मैंने लाइट ऑन कर दी थी और फिर मैं वापस हो गई। लाइट ऑन करने के बाद मैंने सोचा 4:30 बजे वाले अलार्म पे उठ जाऊंगी। अरे बिल्ली की था ये, इसने पंजा फंसा लिया। बीमार हो रही है? हल्की फुल्की। क्या हो गया इसका? रोटी ना खाती है? तो भी भाई पानी पी लेते हैं, फिर गांव में जाना है। और गांव में जाना है तो गांव में जाके आते हैं थोड़ी देर में।